निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन तेरापंथ भवन नागौरी गार्डन में आयोजित किया गया। यह आयोजन आचार्य तुलसी महापरियज्ञ चल चिकित्सालय में किया गया, जो कि देश विदेशों में भी अपनी सेवाएं देकर भीलवाड़ा पहुंची है। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय टीएफ सह मंत्री अंकुर भदौरिया ने बताया कि इस चिकित्सालय के माध्यम से अब तक करीब 1,25,000 लोगों को चिकित्सा का लाभ दिया जा चुका है। प्रोफेशनल फोरम एक लंबे समय से चिकित्सा शिक्षा लीगल समाज सेवा एवं अन्य सभी कार्यों में निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रेरणा से तेरापन प्रोफेशनल फोरम निरंतर इस तरह के आयामों को स्थापित कर रहा है। उसी में एक आयाम जो आप यहाँ तेरापन प्रोफेशनल फोरम की आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ चल चिकित्सालय को देख रहे हैं, आज भीलवाड़ा में मौजूद है। निश्चित रूप से हर्ष का विषय है कि भीलवाड़ा की आमजन को, जिले भर की जनता को इसका फायदा लगभग आने वाले 20 दिनों तक निरंतर मिलेगा। विभिन्न प्रकार की जांचें, चिकित्सा सुविधाएं और डॉक्टर्स की टीम इसमें मौजूद है, जो गांव-गांव में अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। हमें निश्चित रूप से इस आयाम के लिए, इस चिकित्सालय के लिए स्पॉन्सर्स का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। चलाकर हमारे पास फोन आ रहे हैं, जो इस तरह के चिकित्सा शिविरों को आयोजित करने के लिए अपनी इच्छा जता रहे हैं। हम सभी के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हैं और भी जो समाज जन इस आयाम से जुड़ना चाहते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं कि आइए चिकित्सा के एक अनूठे उपक्रम से जुड़े और मानव सेवा में अपना योगदान दें। अंकुर बोरदिया, राष्ट्रीय सहमंत्री तेरापन प्रोफेशनल फोरम। आज भीलवाड़ा एवं तेरापन समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि 2011 में ये जो आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ मोबाइल हॉस्पिटल बनाया है, लॉन्च किया गया था, आज वो भीलवाड़ा में मौजूद है। इसमें इस तेरापन आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ मोबाइल हॉस्पिटल ने लगभग देश भर में लगभग 900 गांवों को कवर किया और हमारे 29-30 राज्य कवर किए। इसके अलावा इसने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को भी कवर किया और नेपाल में आए हुए भूकंप और केरला में आई हुई बाढ़ को यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था। इसको देश भर में बहुत ही सराहना की गई। आपका नाम? मेरा नाम पंकज ओसवाल, मैं ऑल इंडिया नेशनल फंड रेजिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ।